कल हमारा क्लोरोप्लास्ट ये पॉइंट हुआ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस भी हमने देखे थे, इंट्रोडक्टरी पार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस टॉपिक में से मेन, दैट इज अ पिगमेंट. ऐसे पिगमेंट जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. मोस्टली आपको बहुत सारे नाम पता है, क्लोरोफिल ए मीन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स, सांथोफिल, फाइकोबिलिन, फाइको इरिथ्रिन, फाइको सायानिन. ठीक है, तो मोस्टली उनके मोलिकुलर फॉर्मूले आपको एमसीक्यूज के लिए पूछे जाते हैं. जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंस क्या है, ठीक है, और झांथोफिल और कैरोटीन में से डिफरेंस क्या है. ये थ्री पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, ये मोस्टली कभी पूछे नहीं जाते, क्लोरोफिल ए और बी कंपैरेटिवली पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है. तो पिगमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इसेंशियल पिगमेंट एंड नॉन इसेंशियल और एसेसरी उसे बोल सकते हैं हम, और एसेसरी पिगमेंट. इसेंशियल पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ इसेंशियल पिगमेंट. एसेसरी पिगमेंट रिमेनिंग क्लोरोफिल बी सी डी ई, फाइकोबिलिन्स एंड कैरोटीनॉइड्स एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल. कैरोटीनॉइड्स, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स. ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब वो इसेंशियल पिगमेंट है. ठीक है, मीन्स उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज, करेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिएक्शन सेंटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन पिगमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन पिगमेंट. ठीक है, तो क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो, सपोज आपने यहाँ सेक्शन लिया लीफ का, और लीफ के सेक्शन में आपने ये पिगमेंट्स मीन्स थैलाकोइड्स को लिया, थैलाकोइड्स में से कॉन्टाजोम को अगर लिया, तो कॉन्टाजोम में क्या था? करेक्ट, मेन फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन सा है? कॉन्टाजोम्स. और कॉन्टाजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए. सेंटर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए. हेंस इट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर, फर्स्ट रीजन. दूसरा, क्लोरोफिल ए प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. खाली क्लोरोफिल ए ही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हेंस इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर और मेन पिगमेंट. और बाकी के जो भी पिगमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल झांथोफिल, कैरोटीन, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड, जो भी पिगमेंट्स है, वो पिगमेंट्स क्या है? एसेसरी. एसेसरी का मतलब क्या है? वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में नहीं करते, तो उनका फंक्शन क्या है? करेक्ट, करेक्ट, दे एब्सॉर्ब लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. दे एब्सॉर्ब लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. क्लोरोफिल ए लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करता, क्लोरोफिल ए लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करता, या झांथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, जो भी है, वो लाइट एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एब्सॉर्ब करने के बाद वो क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करते हैं. मीन्स एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन क्या है? टू एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोवाइड टूवर्ड्स क्लोरोफिल ए. खाली इतना ही फंक्शन है. और क्लोरोफिल ए का मेन फंक्शन, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ मेन पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर. ठीक है, क्लोरोफिल ए. नेक्स्ट, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, उनके मोलिकुलर फॉर्मूले. क्लोरोफिल, जो भी क्लोरोफिल है ए बी सी डी ई तक, उनके मोलिकुलर फॉर्मूले में सी एच ओ एन एम जी कंपल्सरी आएगा,
CHONMG, लेकिन इसके नंबर जो है वो चेंजिंग है सब में. तो क्लोरोफिल ए और बी का आपको मोस्टली ध्यान में रखना है. क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फॉर्मूला है CHONMG, ये आपको पहले लिखना है. उसके बाद C55H72O5N4MG, ठीक है. क्लोरोफिल ए का 55, 72, 5 and 4 क्या CHON और MG सिंगल सेंटर में प्रेजेंट है, ध्यान रहेगा. नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस किस में है क्लोरोफिल ए और बी के फॉर्मूले में, हाइड्रोजन 2 से कम है और ऑक्सीजन 1 से कम है. तो यहाँ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, कहाँ, क्लोरोफिल बी में H2O, यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम है. तो यहाँ C55H70O6N4MG, ये दो मोलिकुलर फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है कंपैरिजन बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के लिए, ठीक है. बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी. फर्स्ट उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, सेकेंड डिफरेंस क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ एसेंशियल पिगमेंट, क्लोरोफिल बी एक्ट एज अ एसेसरी पिगमेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्लोरोफिल सी 55, 32, 5, 4 and MG, क्लोरोफिल डी 54, 76 and 4 इन नंबर MG, क्लोरोफिल ई C55H72O6N4MG, ठीक है. ये दो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्लोरोफिल ए एंड बी के. नेक्स्ट झांतोफिल एंड कैरोटीन एक्ट एज अ कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों को भी हम क्या बोल सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स. कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, झांतोफिल एंड कैरोटीन. कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, झांतोफिल एंड कैरोटीन. झांतोफिल इज येलो कलर्ड पिगमेंट एंड कैरोटीन इज ऑरेंज कलर पिगमेंट, बट उसकी एक्चुअली येलो टू ऑरेंज ये कलर पूछा जाता है आपको. कैरोटीन किस कलर के बीच में आता है, येलो से लेकर येलो का एंड और ऑरेंज तक, ये जो शेड है कलर्स का, ये कलर कौन सा है, कैरोटीन का, ठीक है. झांतोफिल इज येलो कलर्ड पिगमेंट, कैरोटीन बिकम्स येलो टू ऑरेंज कलर पिगमेंट, ठीक है. इसकी वेवलेंथ येलो टू ऑरेंज तक जाती है. झांतोफिल का मोलिकुलर फॉर्मूला C40H56O2, झांतोफिल, और कैरोटीन में ऑक्सीजन एब्सेंट है C40H56, ये दोनों का नंबर सेम है, खाली यहाँ क्या एब्सेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है. झांतोफिल एंड कैरोटीन आर द टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स. झांतोफिल इज अ येलो कलर पिगमेंट, कैरोटीन इज एन येलो टू ऑरेंज कलर पिगमेंट. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ झांतोफिल C40H56O2, कैरोटीन C40H56. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन एब्सेंट इन कैरोटीन, दूसरा इसका कलर येलो कलर, इसका कलर येलो टू ऑरेंज इन कलर, ठीक है. नेक्स्ट कहाँ प्रेजेंट है ये, ब्लू अल्गी, ग्रीन अल्गी एंड रेड अल्गी, सॉरी ब्राउन अल्गी, ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी एंड रेड अल्गी, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड अल्गी, ठीक है. ब्लू ग्रीन अल्गी ये टाइप नहीं है, ब्लू ग्रीन अल्गी इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया, BGA हम उसे बोलते हैं, BGA इज कॉमनली कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया का टाइप है, ठीक है. फाइव किंगडम सिस्टम में हमने देखा था इट इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है. ब्लू ग्रीन अल्गी, सॉरी ब्राउन अल्गी, ग्रीन अल्गी एंड रेड अल्गी, ठीक है. नेक्स्ट कैरोटीन्स आर फाउंड इन रेड अल्गी एंड ग्रीन अल्गी, रेड अल्गी एंड ग्रीन अल्गी. नेक्स्ट
व्हाट इज मीन बाय रोडोफाइसी? फियोफाइसी एंड झांथोफाइसी. ठीक है, रोडोफाइसी मीन्स रेड अल्गी. रोडोफाइसी का मतलब है रेड अल्गी, किंगडम प्लांटी में है ये आपको. फ्यो झांथोफाइसी ब्राउन अल्गी, फियोफाइसी ग्रीन अल्गी. रेड अल्गी, ग्रीन अल्गी एंड ब्राउन कलर अल्गी. ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्राउन कलर अल्गी मींस, अगर आपको पूछा जाए झांथोफिल्स आर प्रेजेंट इन फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड झांथोफाइसी. फैमिली है सी ई ए ई, ये जो सफिक्स है ये सफिक्स फैमिली के लिए है. सी ई ए ई सफिक्स फॉर फैमिली, नेम ऑफ द फैमिली. कैरोटीन कहाँ प्रेजेंट है? रेड और ग्रीन अल्गी में, मीन्स रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी. ठीक है, प्लस और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें? क्लोरोफिल ए, ये प्रेजेंट है रिस्पेक्टिव अल्गीज में. उसके साथ और कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ? क्लोरोफिल ए. क्यों? क्योंकि वो मेन पिगमेंट है और रिएक्शन सेंटर है. ठीक है, नेक्स्ट, फाइकोबिलिन्स आर ऑफ अगेन टू टाइप्स. कौन से? एंड फाइको इरिथ्रीन. फाइकोसायनिन प्रेजेंट इन एंड फाइको इरिथ्रीन इरिथ्रीन प्रेजेंट इन रेड अल्गी. साइनिन इज अ ब्लू कलर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन अल्गी. बैक्टीरिया का ये टाइप है, लेकिन बैक्टीरिया के साथ अल्गी ने कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है, तो इट इज कॉल्ड एज अ ब्लू ग्रीन अल्गी. तो इट इज प्रेजेंट इन बी जी ए, इट इज प्रेजेंट इन रेड अल्गी. ठीक है, साइनिन ब्लू कलर पिगमेंट, इरिथ्रीन रेड कलर पिगमेंट, ऑब्वियसली प्रेजेंट इन रोडोफाइसी फैमिली, दे प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन अल्गी. ठीक है, पिगमेंट्स फाइकोबिलिन ऑल्सो एक्ट एज अ एसेसरी पिगमेंट. करेक्ट, कैरोटीनॉइड्स झांथोफिल एंड कैरोटीन, क्या डिफरेंस है दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला में? करेक्ट, ऑक्सीजन एब्सेंट इन कैरोटीन. कैरोटीन, कैरोटीन ये टाइप है कैरोटीनॉइड्स का. ठीक है, नेक्स्ट, इसमें और कौन कौन से टाइप्स है? झांथोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूटीन. इसमें पिगमेंट्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ल्यूटीन इज अ टाइप ऑफ झांथोफिल, और कैरोटीन में टाइप है बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन कैरोट. फर्स्ट टाइम ये कहाँ से डिस्कवर किया? कैरोट से. ठीक है, पिगमेंट का नाम है कैरोटीन. ऑब्वियसली ऑरेंज कलर, तो कैरोट का कलर किसका है, किस तरह का है? ऑरेंज कलर. झांथोफिल येलो कलर पिगमेंट, और एग्जांपल ल्यूटीन. ल्यूटीन इज एन एग्जांपल ऑफ झांथिन, झांथोफिल. ठीक है, इसमें और झांथिन भी एग्जांपल है. झांथिन और फ्यूकोझांथिन, फ्यूकोझांथिन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ झांथोफिल. बीटा कैरोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ कैरोटीन. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट है
इसमें सांतोफिल में, ठीक है। इन दोनों में से हम डिफरेंस अब डिटेल में लर्न करेंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। ये फॉर्मूले समझ में आए, मोस्टली क्लोरोफिल ए बी और सांतोफिल और कैरोटीन का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रहेगा क्लोरोफिल ए C55H72O5N4Mg, बी C55H70O6N4Mg, सांतोफिल C40H56O2, कैरोटीन C40H56, ठीक है, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्लोरोफिल ए एंड बी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, एमजी सेंटर, मेरे साथ निकलना है, एमजी सेंटर में। उसके बाद कॉर्नर, कला इतना एम जी एक्ट एज अ लिगांट इलेमेंट और सेंटर में जो प्रेजेंट है एम जी, केमिस्ट्री में आपको जाएगा, इट एक्ट एज अ लिगांट, ठीक है। इतना निकाला, उसके बाद पहले एम जी निकालना है, उसके बाद चार कॉर्नर्स पर लाइन, और उसके बाद ये हेक्सागोनल रिंग हमें यहाँ निकालनी है, फोर हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ईच कॉर्नर में पेंटागोनल रिंग, ईच कॉर्नर पर पेंटागोनल रिंग, तो कितने पेंटागोनल रिंग्स हुए यहाँ, फोर। नेक्स्ट, यहां मुझे जगह नहीं है, यहां इस रिंग पर फर्स्ट रिंग यहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट के ऊपर के कॉर्नर से फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग, लेबल किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिंग। फोर्थ रिंग पर यहां से नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहां इस तरह से ये फोर्थ रिंग हुई ना, यहां से नीचे 20 कार्बन इलोंगेटेड चेन है, निकालना नहीं है आपको, खाली इतने कार्बन्स निकालने हैं, और यहां लिखना है 20 कार्बन चेन, इलोंगेटेड चेन, 20 कार्बन इलोंगेटेड चेन एंड विथ सीएसटी, ठीक है। या कितने कार्बन्स हैं, 20 कार्बन्स, इट इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ऊपर का जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज हेड,
ध्यान देना है अच्छी तरह से, इट इज़ कॉल्ड एज अ हेड। और ये जो 20 कार्बन इलोंगेटेड चेन है इट इज़ कॉल्ड एज टेल। क्लोरोफिल पिगमेंट में दो पार्ट्स है, हेड एंड टेल। हेड एंड टेल, हेड कंटेन फोर पायरोल रिंग। ये जो मैंने यहाँ लेबल किया है 1, 2, 3, 4, ईच रिंग इज कॉल्ड एज पायरोल रिंग। हेड कंटेन फोर पायरोल रिंग, ठीक है, और टेल कंटेन 20 कार्बन चेन। इट इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल, इट इज कॉल्ड एज फाइटोल टेल। हेड कंटेन फोर पायरोल रिंग्स, टेल कॉल्ड एज अ फाइटोल टेल। हेड बिकम्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हेड बिकम्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर, टेल हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और ये लिपिड के लिए अपोजिट वर्ड लिखना है। किस तरह से? अगर ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये लिपिड से दूर जाएगा, मीन्स ये लिपिड को एब्सॉर्ब नहीं करेगा, मीन्स लिपोफोबिक इन नेचर। इसे आप क्या बोल सकते हैं? लिपोफोबिक, लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है, लिपोफिलिक। इसे क्या बोलेंगे? लिपोफोबिक। ये अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ये अपोजिट वर्ड है लिपिड के लिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। खाली ये आपको ध्यान में रखना है, अब हेड बिकम्स हाइड्रोफिलिक एंड टेल बिकम्स हाइड्रोफोबिक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कंफ्यूज होता है तो ये इरेज कर लीजिए, ये लिपिड के लिए अपोजिट है, ठीक है। जो फिलिक है वो फोबिक टूवर्ड्स लिपिड, जो फोबिक है वो फिलिक टूवर्ड्स लिपिड, ठीक है। फाइटोल ये वर्ड किसके लिए है? टेल के लिए। पायरोल हेड के लिए। एमजी रिएक्शन सेंटर कहाँ आता है? हेड में। फाइटोल टेल कितने कार्बन की है? 20 कार्बन इलोंगेटेड चेन, ठीक है। नेक्स्ट, फाइटोल टेल इज कंपल्सरी अटैच स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ, करेक्ट, फोर्थ पायरोल रिंग से फाइटोल टेल स्टार्ट होती है। मोस्टली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइटोल टेल पायरोल कितने नंबर के पायरोल रिंग से अराइज होती है? फोर्थ पायरोल रिंग से, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेकेंड पायरोल रिंग, यहां भी एक मेन सिग्निफिकेंस है सेकेंड पायरोल रिंग का, फोर पायरोल रिंग, हेड कंटेन फोर पायरोल रिंग। सेकेंड पायरोल रिंग के यहां आर ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, सेकेंड पायरोल रिंग का प्रेजेंट है सेकेंड पायरोल रिंग के पोजीशन पर। आर ग्रुप मीन्स दो ग्रुप्स है आर के, आर मीन्स सी एच थ्री भी है, आर का मीनिंग सी एच ओ भी है, ठीक है। तो सी एच थ्री कब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफिल ए और बी का नेक्स्ट डिफरेंस। इन द एट द पोजीशन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग इन क्लोरोफिल ए सी एच थ्री इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप है? मिथिल ग्रुप, और अल्डिहाइड ग्रुप किस में प्रेजेंट है? क्लोरोफिल बी में, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस बताइए क्लोरोफिल ए और बी का अब तक, पहले करेक्ट बी एसेसरी पिगमेंट, दूसरा मोलिकुलर फॉर्मूला सी 55 एच 72 ओ 5 एन 4 एम जी ए का, बी का 2 4
एमजी, ठीक है. थर्ड डिफरेंस, क्लोरोफिल ए सीएच3 ग्रुप इज प्रेजेंट एट, करेक्ट, एट सेकेंड पैरल रिंग, और बी में अल्डिहाइड ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल बी, ठीक है, सेकेंड पैरल रिंग पर. थर्ड डिफरेंस. फोर्थ डिफरेंस दोनों में, क्लोरोफिल ए आर ब्लू ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. क्लोरोफिल ए बिकम्स ब्लू ग्रीन कलर्ड पिगमेंट एंड क्लोरोफिल बी बिकम्स येलो ग्रीन पिगमेंट. ठीक है, क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन, मीन्स क्लोरोफिल ए डार्क कलर के हैं कंपेरेटिवली बी के. ब्लू ग्रीन का कलर डार्क आता है, आपने बहुत बार कलर मिक्स किया होगा, ब्लू ग्रीन कलर ये डार्क है कंपेरेटिवली येलो ग्रीन कलर से. ठीक है, क्लोरोफिल ए आर ब्लू ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल बी आर येलो ग्रीन इन कलर. ठीक है, ये मेन डायग्राम क्लोरोफिल मोलेक्यूल्स की. इस बाकी के सी डी ई भी इसी तरह के ही है. ठीक है, एज इट इज एम जी प्रेजेंट एज अ सेंटर, एक्ट एज अ लिगांड मोलेक्यूल. नेक्स्ट, और एक डिफरेंस इसमें पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन. क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में से डिफरेंस पूछा जाता है. हीमोग्लोबिन इज शॉर्टली डिनोटेड बाय HB, पता है आपको. तो इसमें कौन सा कोफैक्टर प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक? आयरन, करेक्ट. तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी इस तरह का ही है, सेम हेड एंड टेल, बट इन केस ऑफ क्लोरोफिल सेंटर में MG प्रेजेंट है और इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन सेंटर में आयरन प्रेजेंट है. ये भी बहुत बार क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल. इन केस ऑफ क्लोरोफिल MG प्रेजेंट एट अ रिएक्शन सेंटर और आयरन प्रेजेंट इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, आयरन इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड MG इन केस ऑफ क्लोरोफिल, ये दोनों में से डिफरेंस है. बाकी एज इट इज सेम हेड एज वेल एज टेल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्लांट्स. स्टॉप.